तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार का हम फेलियर मानते हैं। कोई एजेंसी बिना बड़े बड़े सरगनाओं के हाथ में सीटिंग गेटिंग के तहत अगर नहीं जाती है किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होगा। बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे, पेपर लीक की कोई हिम्मत न करे। लेकिन कुछ नहीं, आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है, कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इसने शर्मसार कर दिया है। और एनटीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मांग देने का क्या औचित्य है, कई नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मांग देने का कोई प्रावधान नहीं है। और पेपर लीक के सबूत पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर लीक पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। इसके बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, इस बात को साबित करता है कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, छात्रों अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं। आगे क्या कीजिएगा? आज अभी पुतला दहन हुआ है, इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा, पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे। क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए, हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, मान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं पेपर लीक हुआ है रद्द कीजिए, यही हम लोग की अंतिम डिमांड है।